मोदी सरकार आम आदमी की रसोई में एक बड़ा बदलाव करने का प्लान बना रही है। अमीर हो या गरीब, हर इंसान की रसोई में लगे सिलेंडर की कीमत एक होने वाली है। यानी किसी को सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी को भी सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ये फैसला लिया गया है कि हर महीने सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 4 रुपए बढ़ाए जाएंगे और 8 महीने में सब्सिडी और गैर सब्सिडी सिलेंडरों के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इस सरकार की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा है। देश गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। जून 2004 में एलपीजी का सिलेंडर का 261.60 रूपए था और आज दाम हुआ 399 रूपए और उस पर भी 11.42 रूपए का कमीशन बढ़ा दिया तो दाम हो गया 410.42 रूपए। ये सरकार जनहित है, ये जन विरोधी सरकार है। आम आदमी के साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघाती है। इनको सत्ता में रहने के लिए एक क्षण भी अधिकार नहीं है। आपकी सरकार महंगाई क्यों नहीं रोक पा रही? आज भी गैस के सिलेंडर में बिना सब्सिडी के 26 रुपए के दाम में और वृद्धि हो गई है। पहाड़ों की जनता, हिमाचल की जनता महंगाई से परेशान है, देश भी परेशान है। ये सरकार के गिनती के दिन रह गए हैं। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें।